दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मल्टी फंक्शन ऑल इन वन बूट केबल के बारे में। इस केबल को कैसे आपको यूज करना है, इसका टोटल जितना भी फंक्शन है सभी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले कि आपको ये RJ45 कैसे यूज करना है, इस केबल से डाउनलोडिंग मोड कैसे आपको यूज करना है, उसके बाद आपको SPD में कैसे यूज करना है, MTK में कैसे यूज करना है, और उसके बाद जो है आपका UART मेथड कैसे यूज करना है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप इस डब्बे को अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दूं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर में एक केबल आपको मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद आपको एक टाइप सी केबल मिल रहा है। ठीक है, ये टाइप सी केबल आपका सैमसंग मोबाइल में लग सकता है, किसी अदर मॉडल में लग सकता है, और ये केबल भी टाइप सी केबल जो है आपको किसी अदर मॉडल में लग सकता है। तो ये आपका जो है काम का चीज़ है, इसे आप रखें। ठीक है, उसके बाद ये RJ45 केबल। ठीक है, ये RJ45 केबल जो आपका जो पुराना ओल्ड सैमसंग मोबाइल है, ठीक है, पहले का, तो वो सब मोबाइल RJ45 में जो बूट होता है उसके लिए ये है। ठीक है, उसमें आपको ये काम आएगा। उसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं इस केबल के बारे में कि इस केबल से आप कितने मोबाइल को बूट करा सकते हैं। लगभग सभी मोबाइल को आप बूट करा सकते हैं इस केबल से। इसके अंदर में जो ये स्विच दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप केबल में इसमें देख रहे हैं, इसमें जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि कौन से स्विच में कितना नंबर है, क्या लिखा हुआ है और कैसे आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो आप जो है बटन देख रहे हैं, ठीक है, इस बड़े वाले बटन को आप EDL मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल को स्विच दबा करके बड़ा वाला मोबाइल को ऑफ करके जब आप मोबाइल में लगाएंगे और उस केबल को जब आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो मोबाइल आपका EDL मोड में चला जाएगा। अगर ऐसे आपका मान के चलिए EDL मोड में कोई कोई मोबाइल अगर आपका नहीं जा रहा है तो आपको करना क्या है कि मोबाइल के अंदर में जो वॉल्यूम प्लस माइनस होता है तो वॉल्यूम माइनस दबा करके और EDL केबल का स्विच दबा करके आपको दोनों को एक साथ दबा करके वॉल्यूम माइनस मोबाइल का और EDL केबल का स्विच बड़ा वाला दबा करके आपको केबल लगाना है, मोबाइल EDL मोड में चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बड़े वाले स्विच को आप यूज कर सकते हैं EDL में। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नंबर वन पे जो SPD और MTK बूट है, ठीक है, तो नंबर वन वाला जो स्विच है, तो इस स्विच को चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ताकि आपको दिखाई दे, दिख रहा होगा आपको ये नंबर वन वाला जो स्विच है, तो ठीक है, उस तरफ ऑन है, इस तरफ ऑफ है। ठीक है, तो अभी सारा ये स्विच जो है ऑफ है, तो आपको जिसको भी यूज करना है तो उसे आप ऑन कर लें। ठीक है, बाकी स्विच को आपको ऑफ में ही रखना है, जिस स्विच को आपको यूज करना है उसे सिर्फ आपको ऑन करना है, तभी आपको जो ये केबल काम करेगा। तो जैसे कि मान के चलिए अगर आपके पास कोई MTK का मोबाइल या SPD का मोबाइल आता है तो आपको मोबाइल में जो है बूट की खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कौन सा बूट की है, मोबाइल का नहीं है, ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं, तो आपको इसमें यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, तो इस केबल में आपको नंबर वन वाला स्विच आपको जो है ऑन कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, चाहे आपके पास SPD का मोबाइल रहे या MTK का मोबाइल रहे, ठीक है, कोई भी मोबाइल रहे, मोबाइल को ऑफ करना है, बैटरी निकाल करके बैटरी लगा देना है। ठीक है, और या मान के चलिए अगर बैटरी फिक्स है उसमें तो मोबाइल को सिर्फ ओनली ऑफ कर लेना है आपको, और ऑफ करने के बाद नंबर वन वाला स्विच आपको ऑन कर देना है। उसके बाद जब आप कंप्यूटर में इस केबल को लगा करके और मोबाइल में जब केबल को लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा। जो भी टूल आप यूज कर रहे हैं, मेडिकल बॉक्स या UMT, ठीक है, तो पहले वहां पे टूल में आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद केबल को लगाएंगे ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा। तो ये जो है इस तरह से आप नंबर वन वाले स्विच को यूज कर सकते हैं। नंबर दो, नंबर तीन, ठीक है, ये जो है आपका डाउनलोडिंग मोड 56K जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके बाद L56K, ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो डाउनलोडिंग मोड में जो है आपका सैमसंग में जो पुराना वाला मोबाइल होता है और जो नया मोबाइल होता है, ठीक है, ये सब डाउनलोडिंग मोड के लिए है। और L56K जो है आप इसमें LG का जो मोबाइल आता है आपको डाउनलोडिंग मोड पे ले जाने के लिए, ठीक है, तो LG के मोबाइल के लिए जो है L56K जो है आप स्विच ऑन कर करके जब केबल लगाएंगे मोबाइल में ऑफ करके LG का, तो ऑटोमेटिकली जो LG का मोबाइल जहाँ आपका डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। या LG के मोबाइल के लिए आप जो है L910K भी आप यूज कर सकते हैं, 6 नंबर वाला जो स्विच है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 2 नंबर 3 नंबर से अगर स्विच से अगर आपका LG का मोबाइल जो है डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जा रहा है तो आप जो है 6 नंबर वाले स्विच को यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आपको 4 नंबर पर बताते हैं। 4 नंबर में क्या है कि सैमसंग का मोबाइल अगर कोई भी मोबाइल अगर आपको डाउनलोडिंग मोड पर ले जाना है तो सैमसंग के मोबाइल को पहले आपको ऑफ करना होगा, ऑफ करके जो है आप उस मोबाइल को रखें, उसके बाद 4 नंबर वाले स्विच को जो है आप ऑन कर दें, केबल में जो 4 नंबर स्विच दिया हुआ है 4 नंबर स्विच को जो है आप ऑन कर दें, उसके बाद केबल लगाएंगे डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। ये मोबाइल डाउनलोड मोड पर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये मोबाइल ऑन है, ठीक है, ऑन कंडीशन में डाउनलोड मोड पर नहीं जाएगा। चलिए इस मोबाइल का हम बैटरी को जो है रिमूव कर देते हैं यहाँ से,
दोबारा से फिर से बैटरी को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि डाउनलोड मोड पे कैसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 नंबर वाले स्विच को मैंने केबल में जो है ऑन कर दिया है, उसके बाद मैंने केबल लगाया और ये मोबाइल जो है कुछ ही देर में जो है ऑटोमेटिकली ये मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है डाउनलोड मोड पर जा चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि इस केबल में जो ये 5 नंबर का जो स्विच दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 नंबर वाले स्विच, जैसे 4 नंबर को आप सैमसंग मोबाइल को डाउनलोड मोड पे ले जा सकते हैं और 4 नंबर को आप ऑफ कर दें आप, ठीक है। अगर आपको मान के चलिए जिस मोड को यूज करना है उसके स्विच को आपको ऑन करना होगा, तो मैंने अभी आपको दिखाया सैमसंग डाउनलोडिंग मोड को यूज किया मैंने 4 नंबर से, अब 5 नंबर स्विच को मैंने ऑन कर दिया। तो 5 नंबर स्विच में आपका यह है कि RJ45 प्लस आपका जो URT मेथड, ठीक है, ये दोनों 5 नंबर में ही है। तो आपको RJ45 यूज करना है तो RJ45 केबल को आपस में ज्वाइन करना होगा, ठीक है, तब जो है आप RJ45 यूज कर सकते हैं, यानी कि पुराना वाला जो सैमसंग का मोबाइल है उसको RJ45 में जो बूट होता है उसे आपको इसे केबल से ज्वाइन करना होगा और डायरेक्ट आपको 5 नंबर वाला स्विच आपको ऑन करना है और केबल को मोबाइल में लगाना है आपको, ठीक है, बैटरी निकाल के बैटरी द्वारा लगाना है तो आपका मोबाइल जो ऑटोमेटिकली बूट कर जाएगा। RJ45 जो पुराना वाला सैमसंग का होता है E1200ET जो ऐसा होता है मॉडल पुराना वाला उसमें, ठीक है, ये RJ45 आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसी 5 नंबर स्विच में जो है आप जो है URT मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। URT मेथड कैसे यूज होगा आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए आप EFT डोंगल में URT मेथड में बहुत सारे सैमसंग मोबाइल अनलॉक होता है तो URT केबल की जरूरत पड़ती है आपको, तो वहां पे आपको करना क्या है कि आपको RJ45 आपको जो है अलग कर देना है इस केबल से, सिर्फ ओनली आपका जो है ये ऑल इन वन बूट केबल रहेगा और 5 नंबर वाले स्विच को जो है आपको ऑन रखना है, ठीक है, और ये जो है ऑल इन वन बूट केबल आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाना है तो आपका URT मेथड काम करेगा 5 नंबर वाले स्विच में। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 नंबर वाले स्विच में RJ45 और URT दोनों है उसमें, और 6 नंबर वाले स्विच में जो है आप LG मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर वाले में और उसके बाद आप 3 नंबर वाले में 2 नंबर वाले में LG मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जा सकते हैं। इन तीनों स्विच में से किसी में से भी आपका जो LG मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस केबल को खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, हमारी वेबसाइट का। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे बुक करना चाहते हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस डालना होगा और मैं आपके एड्रेस पे जो है भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।